नमस्कार, मैं निखिल पाठक, आईआईएमटी मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आरक्षण वर्तमान भारत में राजनीति से लेकर समाज तक जो सबसे चर्चित मसला है वह आरक्षण का है। आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर समय समय पर बहस होती रहती है कि आरक्षण हमें चाहिए भी या नहीं, और समाज में वे कौन से लोग हैं जो आरक्षण पाने योग्य हैं, और आरक्षण के क्या आधार होने चाहिए, क्या जातिगत आधार सही है या आर्थिक आधार सही है। आज तक कोई भी सरकार आरक्षण से जुड़े सवालों को सुलझा नहीं पाई है। हाँ, वे इसे और उलझाने में सफल जरूर रहीं। संविधान निर्माताओं ने इस आरक्षण विषय को जब लागू किया था तो इनका मकसद ये था कि जो पिछड़े लोग हैं वे अगड़ों के समान आ जाएं। आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, मेरे साथ हैं अंशुमन, मेरे साथ हैं राहत और मेरे साथ हैं कामना। आइए इनसे जानते हैं कि आरक्षण होना भी चाहिए या नहीं। जब आरक्षण एक सामान्य वर्ग को मिल जाता है तो गरीबी वर्ग आज भी आज़ादी के 65 साल बाद भी ये आरक्षण गरीबों को नहीं मिल पाया है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन भी वर्गों को आरक्षण मिला हुआ है वो इसलिए मिला था, आज से 65 साल पहले की बात है, वो इसलिए मिला था ताकि क्योंकि उन लोगों की हालत बहुत ख़राब थी और वो धीरे 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 आगे आ सकें, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया गया था। लेकिन ये चीज़ आरक्षण ना होते हुए धीरे धीरे वोट कमाने का ज़रिया बन गई। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोग इस चीज़ को अपने चुनाव में ज़रिया यूज़ करने लगे अपना वोट बनाने के लिए, और वो लोग इस टॉपिक को हमेशा उठाते हैं चुनाव में ताकि उन लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, क्योंकि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, और उनसे वोट निकालना आसान इसीलिए है ताकि उनको आरक्षण दो और उनको अपने तरफ रखो। मैं बस यही कहना चाहूँगा। अगला सवाल मैं राहत से करना चाहूँगा, क्या पूरे वर्ग विशेष को आरक्षण देना उचित है, जबकि आरक्षण की मंशा पिछड़ों को अगड़ों के समान रखने की थी, तो जो आज सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, विकसित हैं, तो वे लोग आरक्षण की मांग क्यों करते हैं? देखिए, दरअसल यही वजह थी आरक्षण की, पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाने के लिए आरक्षण बनाया गया था। पर जो हमारा आधार है, जाति के आधार पर हम आरक्षण दे देते हैं, ये सही नहीं है। ये उस वक्त इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त जातिवाद बहुत ज़्यादा था भारत देश में, उस वक्त जातिवाद बहुत ज़्यादा था, तो पूरी पूरी जाति पिछड़ी हुई होती थी। पर आज की तारीख में ऐसा नहीं है, पर जो हमारा तरीका है आरक्षण देने का वो आज भी वही है, हम जाति के आधार पर वो देते हैं। पर आज की डेट में जो हमारे बहुत से भाई बंधु ऐसे होते हैं कि इस जात को जो पिछड़ी हुई जाति थी उसमें होते हुए भी आज बहुत आगे हैं, पर वो भी इस आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो ये आप बोल रहे हैं कि हमारा आधार, ये बदलना पड़ेगा हमें। हमें आरक्षण तो देना है पर उन्हें जो आर्थिक रूप से पीछे हैं उसी वजह से नहीं कि जो जाति के रूप से पीछे हैं। हम किसी को भी जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, ये गलत है। मैं कामना से ये जानना चाहता हूँ कि आपको कहीं ये नहीं लगता कि एक ही समुदाय, विशेष वर्ग के लोग जो है आरक्षण की मांग बार बार करते हैं और उसी वर्ग विशेष को आरक्षण दोबारा दोबारा मिल जाता है, ऐसा क्यों? जिन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, अब एक ही जाति में कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत सफल हैं, जो बहुत आगे हैं, और उसी जाति के कुछ लोग हैं जो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो मांग तो की जाती है आरक्षण की, लेकिन शायद जिन लोगों को मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता, और जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए वो बार 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 उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं। करता हूँ अनुरोध आज मैं भारत की सरकार से, प्रतिभाओं को मत काटो आरक्षण की तलवार से, वरना रेल पटरियों पर जो आज तमाशा है, जाट आंदोलन हर तरफ हर ओर निराशा है। पंजाबी अगला कदम पंजाबी उठाएंगे और मराठा भी अपने हथियार दिखाएंगे, प्रतिभाओं को मत काटो आरक्षण की तलवार से। आरक्षण देकर
हमें योग्यता ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए। जिस बंदे में टैलेंट है, जिस व्यक्ति में टैलेंट और योग्यता है, उसे उसके तौर पर उसे देखना चाहिए, ना कि वह किस जाति से है, क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, या किसी भी आधार पर उसे आरक्षण ना दे और योग्यता के तौर पर उसे आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार और हमारे देश में उसे प्रेरित करना चाहिए।